तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है माइंड डिस्क। मैं समझ सकता हूँ कि आपका फ़ोन जो है लॉक हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो कारण सिर्फ एक मात्र ही है कि फ़ोन आपका लॉक हो गया है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो को देखा है, आपका काम नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है कि डायरेक्टली आपने अगर हमारे वीडियो को प्ले किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि विदाउट सिम कार्ड, यहाँ देख सकते हैं नो सिम इमरजेंसी कॉल ओनली के यहाँ पे मैसेज है, हमने अपने स्मार्टफोन में सिम कार्ड नहीं लगाया हुआ है। क्यों नहीं लगाया हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन जब लॉक हो जाता है तो अपना सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में लगा लेते हैं, ताकि फ़ोन में जो है कॉलिंग आते रहे या वो दूसरे को कॉल कर सके। तो यहाँ पे आज हम आपको यही बताएंगे कि विदाउट सिम कार्ड आप अपने फ़ोन को कैसे अनलॉक कर पाएंगे, वो भी विदाउट डेटा लॉस। कोई भी यहाँ पे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे हमें इंटरनेट की ज़रूरत है। विदाउट इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किए हुए हम अपने ही स्मार्टफोन से कैसे अनलॉक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात होती है ये, खुद के स्मार्टफोन से खुद को अनलॉक कर लेना। ये बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ हम अपने YouTube चैनल पे ऐसा बताते हैं, और ये चीज़ हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा आपका, और इसी सपोर्ट के चलते हमारा चैनल जो है 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाला है कुछ ही दिनों में। तो आप जो है इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखें, और अब हम आपको दिखाएंगे कैसे इन सारी चीज़ों को हम कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए, कोई एक छोटा सा बच्चा भी हमारी वीडियो को देख के फ़ोन अनलॉक करना सीख जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसका गलत यूज नहीं होना चाहिए, खुद के फ़ोन को ही आप अनलॉक करें, दूसरे का या चोरी का फ़ोन को अनलॉक करना ये क्राइम है। तो छोटा सा डिस्क्लेमर हम यहाँ पे अपने वीडियो को ऑन होते ही आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, जानते हैं कैसे ये सारे ट्रिक्स, ये सारे मेथड कैसे वर्क करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंटर पासवर्ड का ऑप्शन या पैटर्न पिन कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज़ कोई भी आप लॉक लगाएं, फेस लॉक ही क्यों ना लगा हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आपको एक दिखता है, यहाँ पे आपको चले जाना है। एंड देन यहाँ पे इमरजेंसी कॉल में जाने के बाद आपको क्या करना है, *#8#99 एंड हैज़ यहाँ पे आपको डायल करना है। ये एक बार डायल करके आपको चेक कर लेना कि क्या ये आपके फ़ोन में खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये नहीं खुलेगा तो फिर आपके कोई भी फ़ोन के मेथड जो है काम नहीं करेंगे। तो आपको फिर से यहाँ पे जो है इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे चले जाना है ना, इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन में चले जाना है। सबसे पहले हमें अपनी फ़ोन का बाइनरी सिस्टम ब्रेक करना होता है। अगर आप एक फ़ोन के नॉर्मल यूज़र हैं तब तो आपको बाइनरी सिस्टम समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक स्मार्टफोन रिपेयर करते हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेवलपर मोड क्या होता है, इंजीनियर मोड क्या होता है। तो यहाँ पे हम ये कोड आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस कोड के थ्रू आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ईजी वे में आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने अपने फ़ोन को यहाँ पे कोड के थ्रू डायल कर लिया है। यहाँ पे कॉल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, एक बार एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, 11 टाइम आपको ये करना ही करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों। आपके ये फ़ोन के जितने भी तरीके के लॉक हैं, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, सब यहाँ पे ये अनलॉक कर चुका है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, डायल करना है *#8#13##8#13##, यहाँ पे आपको सिर्फ इस तरीके से दबाना है। एंड देन आप देख पाएंगे कि आपका फ़ोन जो है अभी भी अनलॉक नहीं हुआ। क्यों ऐसा, क्यों दोस्तों ऐसा क्यों? एक बार चेक करते हैं आपके फ़ोन में भी अगर ऐसा हो रहा, तो आपको *#8#99# डायल करना है। मैंने आपको बताया था कि ये आपको चेक करना है कि क्या आपके फ़ोन में ये चीज़ है या नहीं। आपको क्या करना है, मैनुअल टेस्ट पे चल जाना है और इस तरीके से स्क्रॉल कर लीजिएगा। मेन बोर्ड वर्जन के ऊपर में एक ही स्टेटस है, इसको टैप कर लीजिएगा। ध्यान रहे, रीडिंग रिसेट पर क्लिक मत कीजिएगा। बैक चल जाइएगा, फिर से बैक चल जाइएगा,
और फिर से बैक होने के बाद आप इस तरीके से स्क्रॉल कीजिएगा, वापस से आपको इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे चल जाना है। जी हाँ दोस्तों, वापस से आपको इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एंड देन यहाँ पे आपको फिर से वही कोड आपको डायल करना है, *#813 एंड यहाँ पे आपको हैज यहाँ पे डायल करना है। और ये कोड आप जैसे ही डायल करेंगे आप पाएंगे कि आपका फ़ोन सक्सेसफुली यहाँ पे अनलॉक हो चुका है और आपसे कोई भी पासवर्ड पैटर्न पिन नहीं मांगा गया। तो ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे अपने फ़ोन के बाइनरी सिस्टम को ब्रेक किया था, इस वजह से हमारा फ़ोन सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। और अब जो है आप अपने फ़ोन में जो भी डेटा है सबको आप वापस से गेन कर सकते हैं, आप उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं भी रख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको यूज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों, एंड बाय बाय।